दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। बहुत से हमारे सेकुलर भाई बहनों को विश्वास नहीं है कि केरल स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, वो प्रूफ मांगते हैं। चलिए आज हम केरला स्टोरी के सच से पर्दा उठाते हैं, चलिए आज हम उन्हें कुछ प्रूफ देते हैं। खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में साइशा वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, राज्य में लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। केरल एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। खुद केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री अच्युतानंदम ने कहा था, दे वॉन्ट टू कन्वर्ट केरला into a Muslim majority state in 20 years. They are using money and other inducement to convert people to Islam. They even marry women from outside their community in order to increase the Muslim. केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए ये बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7713 ऐसे मामले बताए गए हैं जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी के बाद इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरला के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि कोई इंसान कहता है केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वह सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप ने ये बताया था किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट ने बताया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है। और तो और केरला में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिलो मारबार चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता जताई। और ये जो मूवी में आंकड़ा बताया गया है 32,000, ये झूठ नहीं है, इससे कई बड़ा आंकड़ा आज भी मौजूद है। पूरे गाँव के गाँव कन्वर्ट हुए हैं, इससे कई ज्यादा केसेस आज भी पेंडिंग है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ये बस भारत में ही हो रहा है ऐसा भी नहीं, कुछ दिन इंग्लैंड के होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कराने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तब कहा था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान मुल्क के बहुत सारे लड़के ग्रूमिंग गैंग बनाकर मोस्टली 16 साल की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और उन पर मल्टीपल रेप भी करते हैं, उनसे शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। ये स्कैंडल सारी दुनिया में चल रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस मूवी को किसी धर्म का पक्ष लेकर मत देखिए। हमें अगर हमारी बहन बेटियों को इन हैवानों के हाथ से बचाना है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा दे, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दे, बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म की शिक्षा दे। अपने धर्म की शिक्षा देने के बाद ही हम उन्हें स्वावलंबी बना पाएंगे, स्वयं की रक्षा स्वयं करने के लिए, यह सच्चाई हर घर तक पहुंचे। इसके लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।